पठान के बेशरम रंग गाने में हुए कई बदलाव, डायलॉग्स में बदले गए शब्द, जानिए क्या क्या किया गया सेंसर। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज होने के बाद विवाद ने भी तूल पकड़ लिया। गाने में दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग को लेकर आम जनता से लेकर नेताओं ने आपत्ति जताई और कहा कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। अब फिल्म पर चल रहे विवाद के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म पठान में कई बदलाव करने के सुझाव दिए थे, जिसके बाद अब सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी का बयान आया है। उन्होंने बताया कि फिल्म पठान में सेंसर के नियमों के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसर बोर्ड पर फिल्म में कई बड़े बदलाव किए गए। बेशरम रंग गाने में तो बदलाव हुए ही हैं, फिल्म के डायलॉग्स में भी कई शब्द बदले गए हैं। आपको बता दें, डायलॉग चेंजेस से लेकर कई सीन को सेंसर किए जाने तक CBFC ने पठान में 10 से ज्यादा कट लगाने के लिए कहा था। पठान के बेशरम रंग गाने में कम से कम 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेशरम रंग में दीपिका के कुछ क्लोजअप शॉट्स हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही गाने में बहुत तंग किया लिरिक्स के साथ आने वाले कुछ सेंसुअस विजुअल्स भी हटा दिए गए हैं और इनकी जगह दूसरे शॉट लगाए गए हैं। बेशरम रंग से दीपिका का साइड पोज भी हटाया गया है। हालांकि ये जानकारी सामने नहीं आई कि गाने में दीपिका के विवादित भगवा बिकनी के शॉट्स अभी हटाए गए हैं या फिर नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक कहानी के हिसाब से जांच एजेंसी रॉ को बदलकर हमारे इस्तेमाल किया गया। एक डायलॉग, इससे सस्ती स्कॉच नहीं मिली, इसमें स्कॉच की जगह ड्रिंक शब्द लगाया गया है। पठान में अशोक चक्र की जगह वीर पुरस्कार, XKGB की जगह XSBU और मिसेस भारत माता की जगह हमारी भारत माता किए जाने की भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि फिल्म पठान में 13 जगह पर PMO को बदला गया है, प्रधानमंत्री को बदलकर प्रेसिडेंट या मंत्री किया गया है। वहीं इन बदलावों के साथ सेंसर बोर्ड ने पठान के मेकर्स को UA रेटिंग दी है। फिल्म से कितने सेकंड की फुटेज को सेंसर किया गया है, इस बारे में डिटेल्स सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक अब फिल्म का रन टाइम 146 मिनट यानी कि 2 घंटे 26 मिनट हो गया है। आपको बता दें, सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 से सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।